हेलो लोइटर वी गेट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद में इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक करीबन 5-6 महीने हो गए, तो बीच में मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। तो इस वजह से मैं टाइम क्या, वैसे वीडियो अपलोड करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शेड्यूल शायद मैंने मैनेज नहीं किया ढंग से इसीलिए। लेकिन आई होप कि आप सब ठीक हैं। इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ उस पॉइंट पे आते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपना लेजन और ह्योरन अच्छा कर सकते हैं। तो लेजन और ह्योरन और साथ ही साथ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के लिए तो जैसे कि आप किसी के साथ पढ़ रहे हैं तो आप जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप जर्मन में ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, तो उससे आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा। पूरे दिन ना सही, लेकिन एक जैसे टाइमिंग हो आपकी कि आधा घंटा 1 घंटे हम किसी ना किसी नए टॉपिक के ऊपर एवरीडे हम कुछ ना कुछ बात करेंगे, तो उससे आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा। लेजन और हॉरन के लिए वैसे तो कुछ मूवीज़ भी देखते हैं, कोई सॉन्ग्स वगैरह आप जर्मन के जो सुनते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन कई बार जैसे एक्सेंट समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए मैं एक खुद जो मैं यूज़ करता आया हूँ और अभी भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी जर्मन में बहुत कुछ अभी मेरे को सीखना बाकी है, मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं सीखा है, बस जो मैं सीखा है वो मैं यूट्यूब पे आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ताकि मेरे को भी बेनिफिट मिले। आपको मैं बताता हूँ तो मेरा भी रिवाइज़ हो जाता है और साथ के साथ आपको देखने वालों को भी उससे बेनिफिट हो जाता है। तो जिस वेबसाइट के बारे में मैं बता रहा हूँ वो है डॉचे वेले। आप में से कईयों ने उसके बारे में सुन रखा होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। डॉचे वेले वेबसाइट है, तो आपको कैसे सर्च करना है गूगल पे वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो वेबसाइट है डॉचे वेले। तो आप में से कईयों को पता होगा वैसे इसके बारे में, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। डॉचे वेले वेबसाइट है, तो आपको लिखना क्या है सर्च में, सर्च इंजन में आपको लिखना है वीडियो थेमा डॉयचे वेले। ये लिख के जब आप सर्च करेंगे तो खूब सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसमें एक वीडियो थेमा डेवे ये करके लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप डायरेक्ट डॉयचे वेले की जगह ओनली डेवे भी लिख सकते हैं, डेवे, तो आप देखेंगे वीडियो थेमा डेवे ये रिजल्ट में शो हो रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलता है 2013 से लेकर 2022 तक वीडियो थीमा के कई सारे आर्काइव दिए हुए हैं। जैसे क्लिक करते हैं 2022 वाले पे, तो यहाँ आप देखोगे तो ये सारे यहाँ पे ये वीडियो थीमा दिए हुए हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा ये है कि इसमें क्या लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर ये लोग अपलोड करते हैं वीडियो, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, कुछ नॉलेज से इन टॉपिक्स को देखने के बाद में आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स ही यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो साथ के साथ आपका नॉलेज भी बढ़ता है, दूसरा आप साथ के साथ जर्मन भी सीख रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, जूसे शोकोलाड बिटर नागेशमाक, तो इसके अंदर आप वीडियो प्ले करके देख भी सकते हैं ये किस बारे में थीमा है, किस बारे में बात हो रही है। von Deutschland und Europa sind इससे betroffen. आपका हॉरन भी अच्छा होगा, ठीक है, और आप अगर समझने में आपको अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है कि ये क्या बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको मैन्यूस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। मैन्यूस्क्रिप्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी इस वीडियो में बताया गया वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो आप साथ के साथ वीडियो भी चालू रखें और साथ के साथ इसको फॉलो करते रहें, इसको पढ़ते रहें, तो आप क्या वो एक्सेंट भी समझ पाएंगे उनका, और हॉर्न भी अच्छा होगा, लेजन भी आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होगा इसके साथ में। और दूसरा फायदा ये है कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी नई वोकैब, न्यू वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह से नए वर्ड्स को यूज़ किया गया है तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी ये हाईलाइट किए हुए जो वर्ड्स हैं ये इनसे रिलेटेड वोकैब आप यहाँ पे जब इन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। जैसे आपने स्टेलन पे क्लिक किया तो स्टेलन का यहाँ पे क्या मीनिंग लिख रहा है, जिश जाइनर फ्रांटवोर्टुंग स्टेलन, तो मिश माइनर फ्रांटवोर्टुंग स्टेलन, तो ये जो वर्ब यूज हुई है वो क्या हुई है, जिश जाइनर फ्रांटवोर्टुंग स्टेलन। ठीक है, जिश फ्रांटवोर्टुंग स्टेलन, तो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, क्या निकल रहा है यहाँ पे मीनिंग, और वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आप ऑटोमेटिकली सेंटेंस के
के साथ में जब इसको इसके मीनिंग को जानेंगे और फिर इस दोबारा सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ये समझ में भी आएगा इसका अर्थ कि ये क्या कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में। तो इससे आपकी वोकैब भी अच्छी होगी, लेजन भी अच्छा होगा, हरन भी अच्छा होगा। और दूसरा, ये आप यहाँ पे युबुंग पे क्लिक करेंगे तो युबुंग पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे युबुंग पे क्लिक करने पे आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप इस वीडियो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज भी मिलेगी और भी कई मतलब ऐसी एक्सरसाइज मिलेगी जो आपको B1 B2 के एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये वाली डॉयचे वेले वीडियो थेमा ये यूज़ करके आप अपना काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। इससे आपका हेयर एंड लेजन दोनों अच्छे होंगे, साथ ही साथ आप कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे तो वो भी आपको हेल्प मिलेगी उससे। तो ये मैं वेबसाइट में खुद भी यूज़ करता हूँ। बाकी अगर आप और कोई सोर्स से पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं तो वो भी अच्छा है। मैं कोई यहाँ पे सिर्फ ओनली डॉयचे वेले को कोई स्पेशली सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई डॉयचे वेले को ही आप पढ़ो, लेकिन मेरा कहने का मोटिव यहाँ पे ये है कि आप सीख सकते हैं। अगर किसी और तरीके से आप सीख रहे हैं तो बस अपना मोटिव ये है कि हमें सीखते रहना है। तो अगर नहीं पता है किसी को तो वो ये तरीका यूज़ कर सकता है। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने आया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप सबको धन्यवाद देते हुए बस अभी वीडियो को मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। और आप वीडियो सही लगी हो आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं अपनी जर्मन ठीक करने के लिए, जैसे अपना आपका जो ग्रुप है उसमें जर्मन में बात कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन में बात करने की कोशिश कीजिए। एक नियम बना लीजिए कि जो जर्मन स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं उनके साथ आप जर्मन में ही बात करेंगे। अगर पूरे दिन नहीं कर सकते तो जब एक फिक्स टाइम बना लीजिए। तो कुछ चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी तभी आपको आप कुछ ज़्यादा बेटर कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।